गाइस 5 लाख फैमिली मेंबर्स कंप्लीट होने पे www.zaptech.com की तरफ से मेरे सारे व्यूअर्स को एक स्पेशल ऑफर जैप ने अलाउ किया है। सो गाइस अगर आप लोगों को भी इस ऑफर को अवेल करना है तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, नीचे आप लोगों को एक बहुत बढ़िया तरीके का 15% ऑफ मिलने वाला है, जिसमें आपने कूपन कोड यूज करना है मुसाफिर 7811, यानी कि मुसाफिर 7811। ये केवल एक्सक्लूसिव सेल है मुसाफिर के स्क्वाड के लिए, यानी कि मेरी फैमिली के लिए। सो गाइस अगर आप लोगों को ये लिंक देखना है और प्रोडक्ट देखने तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, लिंक में क्लिक कीजिए और आप लोग सेम इस पेज में आ जाएंगे। आपने दबाना है शॉप नाउ और आप लोग अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनको यूज कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां मुसाफिर को अलग अलग डिजाइन में बनाते हुए, मॉडिफाई करते हुए और प्लस एसेसरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हुए देखा है। सो आज है संडे और मैंने सोचा था कि संडे को कुछ डिफरेंट लेवल की चीज करेंगे, तो आप लोगों को एक चीज में सबसे पहले दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर खड़ी है अपनी 1988 मॉडल की जीप और उस टाइम की एक किंग हुआ करती थी, और ये जो है पहले मेरे दोस्त के ग्रैंडफादर की गाड़ी थी और उसके बाद ये राजस्थान में ही फार्म में खड़ी रहती थी। अब ये गुड़गांव आई थी, सो इसको हम लोग लेके आए हैं मायापुरी में, आपको भाई से मिलवा दूंगा। सो गाड़ी में हम लोग केवल करवा रहे हैं अभी सर्विसिंग का काम, यानी कि ऑयल चेंज और जो जो फिल्टर विल्टर हो सकते हैं वो चेंज करवा रहे हैं। कैसी ये गाड़ी है, कैसी इसकी आवाज़ है और सबसे स्पेशली चीज़ कि क्यों ये सबसे हटकर है। सो आज के व्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाला है कि कैसे जिप्सी को हम लोग अच्छी तरीके से तैयार करवाते हैं। सो मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन स्टिल इसको बढ़िया करने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हमारे साथ है दो पोले भाई जिनका नाम है उदित। एक बार दिखा दे भाई कौन सा कैमरा लिया ने, वो कैमरा का है जेब के अंदर रख लेते यार, कैमरा बाद में। सो दिस इज द GoPro Hero 7 जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट है। इसकी अनबॉक्सिंग तो भाई ने कर दी, इसके बारे में और फीचर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। मुसाफिर के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो भाई जिन भाई की गाड़ी है और जिन भाइयों ने आज इसको पूरा बढ़िया करवाना है, तो अस्तित्व भाई एक चीज बताओ, कितना प्यार है इस गाड़ी की तरफ? बहुत ज्यादा प्यार है, बिकॉज कैसे कैसे करके तो आई है हमारे पास। एंड एक्चुअली 1985 मॉडल, उसको बस रानी की तरह रखते हैं। 85 का मॉडल लेकिन 88 वो रेस्ट तो उस समय के हिसाब से थे। ठीक है, 88 की है। सो गाड़ी आप लोग एक बार देख सकते हो व्यू से, अगर आप लोगों को देखना है। कितने सीसी की गाड़ी है भाई? अबाउट 4 सिलेंडर्स, 2500 सीसी की गाड़ी है, ओरिजिनल है, कोई स्टॉक है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया इसके अंदर, सब कुछ स्टॉक वाला है ना। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये मॉडल है ये अब दिल्ली में आप नहीं चला सकते, और स्पेशली आप लोगों को बताया तो हम भी इसको गुड़गांव और राजस्थान में ही चलाएंगे। एक बार गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लो। सो जो गाड़ी की लाइटिंग है भाई वो बहुत ही खतरनाक है, थोड़ी सी अभी ऊपर की तरफ जा रही लेकिन हम सेट करवा लेंगे। और भाई एक चीज़ बताओ, लाइटिंग यार मतलब नई गाड़ी खरीद लो उसकी सारी लाइटिंग कम होती है। बिल्कुल, इसकी तो ऐसे जाती है, मतलब एज अ फॉर फिटेड अबाउट 100 एलईडी इन इनको। हां और बिल्कुल जबरदस्त वाला लुक। इसकी द लाइट्स गेटिंग प्रोजेक्टेड और द रेंज इज फक्ड अप नाउ। हां वी विल टेक केयर ऑफ दैट नाउ, उसकी रेंज ठीक कराएंगे, उसमें खूब सारा चौना मारेंगे। हां बिल्कुल चमका देंगे। और गाड़ी का जो कलर है भाई के पास सेम कलर की एक और गाड़ी थी जो कि आपने देखा था। सो जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये पूरा फैमिली अपना जो है पूरा लेवल वाला चलता है यहाँ पर। सो सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसी के साथ में गाइस इसमें जो है आपका आप अपने टॉप देख सकते हैं। सो ये गाड़ी एक तरीके से कोई भी पूरी चोरी कर सकता है, इसलिए हमने अंदर कुछ काम नहीं कराया, बिल्कुल नॉर्मल है। गाड़ी में कोई पावर स्टीयरिंग नहीं है, बीच में जो आप लोग देखोगे तो 4 स्पीड गेयर बॉक्स है। इसमें कोई भी आपको हैंड ब्रेक नहीं मिलता है, आपका यहाँ पर बैटरी आपका जो आपका जितना भी इंजन ऑयल का हो गया वो आपको लेवल दिखेगा, आपका स्पीडोमीटर, ईच एंड एवरीथिंग। और आपको मैं इंजन की आवाज़ भी सुना दूंगा। सो आप लोगों को पीछे की साइड में लेके चलता हूँ, एक बार चेक कर लो। भाई ने अभी 2 नए टायर डलवाए और उसके बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। और गाड़ी जो है भाई वो आर्मी की है, पहले बता देता हूँ। तो इसको करते हैं ओपन। तो पीछे देख सकते हो परफेक्ट सेटिंग है, कल हम लोगों ने खूब इसमें बैठे हैं, हम लोगों ने चेकिंग की और बहुत ज़बरदस्त वाला मज़ा आया। तो अब चलते हैं आगे की साइड है। भाई ये दरवाजे के पीछे का रीज़न है पूरा जो घूम रहा है, लैम्बोर्गिनी एडिशन है जिनको आपने बहुत सारी वीडियोस में हमारी ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सर एक चीज बताओ, गाड़ी कैसी लगी आपको देखने के बाद? मजेदार है, कुछ मतलब छेड़खानी तो नहीं की है गाड़ी के साथ? पूरी ओरिजिनल चीज़ है ना। तो आज हमारे साथ जो है भैया ही पूरी इस गाड़ी को तैयार करवाएंगे, और जो भी चीज़ होगी जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक बार पढ़ लो,
ये सब कुछ आपको गाड़ी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। तो एक चीज़ बताइए सर, जैसे ये गाड़ी अब दिल्ली में तो हम चला नहीं सकते, तो हम गुड़गांव और अपने राजस्थान साइड में इसको लेके जाएंगे, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना चलाने में? वहाँ के जाने वैसे दिल्ली में तो चला नहीं सकते। हाँ, दिल्ली में इसको आप नहीं चला सकते, हम लोग भी इसको लेके आए, बाई चांस कहीं हमें कोई रोक लेता तो हम लोग उनको बता देते कि केवल रिपेयरिंग के उससे लेके आए, और थोड़ा जो भाई का जैक है वो अच्छा खासा है, तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो गाइस जिनके पास हम लोग आए हुए आप लोग देख सकते हो, इसके बाद बाबा भी आ चुके हैं। तो बाबा छुप कहाँ रहे हो, छुपो मत। बाबा कैसा लग रहा है पूरे हब में आके, मज़ा आ रहा है? एक्चुअली तो रियलिटी यही है कि दिस इज द हब, मानो नहीं मानो, बट यू नो इफ यू कैन गेट योरसेल्फ गुड बॉडी बॉडी विद गुड कंडीशन, बहुत काम है कराया जाता है। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें नया देखने को, चारों तरफ देखो जिप्सी या थार, जहाँ तक आप देख सकते हो, बोलते हैं ना नज़र जहाँ तक जा सकती है आपकी, आपको जिप्सी और थार ही दिखेंगे, अलग अलग गाड़ी दिखेगी, और हर गाड़ी में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, और क्या पता आने वाले टाइम में हम लोग भी एक जिप्सी खरीद ले, है खरीद ले, क्या पता खरीद ही ले, बहुत जल्द आज भी हो सकता है। मज़ा आ रहा है, एक नंबर का मज़ा आ रहा है, ऐसे क्या है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोप है भाई। गाइस तो यहाँ पर आ चुकी है चीज़ें जो हमारी गाड़ी के अंदर अभी डलने वाली है। सो आप लोगों को बताया था ये केवल एक नॉर्मल सर्विस रहने वाली है जो हम लोग कराएंगे। सो हमारा आ चुका है ऑयल फिल्टर, जो कि जेन्युइन महिंद्रा वाला होता है ना, आप लोग देख सकते हैं जेन्युइन वाला हमने मंगाया। सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ थी, आज जो है संडे का दिन है, तो हमें जो अपना मल्टी वाला है, सो मल्टी वाला इस कॉस्टली, ये 20 रुपये का ज़्यादा महंगा मिलता है हमको, ये तो पूरा मिल गया 4.5 लीटर जो आपका प्राइमा वाला था, हम कैस्ट्रॉल CRB प्राइमर डलवा रहे हैं, तो केवल आधा लीटर जो है मैं मल्टी डलवा रहा हूँ। गाइस आपको पहले बता देता हूँ 20W40 का ये रहता है, और अगर आप लोग मल्टी लेंगे तो 15W40 का रहता है। सो इसमें अगर आप लोग आधा लीटर ये डलवा ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इसको हम डलवाने वाले हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइज इसके बाद आप लोगों को रेटिंग दिखा देता हूँ क्या पड़े हैं तेल वेल के रेट। सो 130 का ऑयल फिल्टर है, बाकी दो ऑयल जो अलग अलग डलवाए हैं उनकी टोटल कॉस्टिंग हमें पड़ा 1220 रुपये। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग ऑयल का सील चेक कर सकते हैं। सो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ, कई कई लोग क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं साइड में LP, जिससे वो ईजिली खुलता नहीं है और बाद में टक करके आवाज़ भी नहीं आती। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एंड तक पूरा ये टाइट है, पूरा आपको थोड़ा और जोर लगाना है, और ये अब जाके ओपन हुआ है जैसे देख सकते हो। अगर LP लगा होता तो ये चीज़ नहीं खुलती, तो इसको जो है ओपन कर दिया। इसके बाद सील को चेक करने का क्या तरीका है, कहीं चिपकाया तो नहीं हुआ? थोड़ा सा ज़्यादा तेज हार्डली प्रेस मत करो, धीरे धीरे प्रेस करो इसको, और देख लो ये बिल्कुल टाइट है। इधर नीचे आपको कैस्ट्रॉल लिखा हुआ दिख जाएगा, अगर आप लोग जो डीजल वाला होता है अपना, जो हम लोग डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, उनमें कूपन भी निकलता है अगर आप कैस्ट्रॉल डलवाओगे तो इनके साथ ही है। तो दो तो वो मैंने चेक कर लिए, एक जो सबसे बड़े वाला है वो भी मैं आप लोगों को दिखाया था चेक करके। तो अगेन पूरा इसको देख सकते हो, देख लो एक बारी, पूरा सील लगा हुआ है, घुमाओ और अब जाके खुला है, चेक करो साइड में, देख सकते हो साइड में आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा। ये मैंने खुद निकाला है, कैस्ट्रॉल नीचे लिखा दिख जाएगा, और ये परफेक्टली बिल्कुल जो है ना तो टाइट है, और ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और अब इसको डालते हैं, कैसे डालते हैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर बात आती है अपने ऑयल फिल्टर की, सो ये तो भाई देखो इसमें तो कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता, असली सी बात ये है, एक बार चेक कर लो, महिंद्रा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर लिखी दिख जाएगी, और इसी के साथ में जब इसको लगाएंगे तब आपको फिटिंग दिखा दूंगा। ज़्यादा यार देखो अगर आप अच्छी जगह से काम करवा रहे हो, बंदा सही है तो काम सही हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। स्टिल अगर वहमी बंदे हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपको आइडिया मिल चुका। तो गाइज नेक्स्ट अप इज़ आपका जो गाड़ी का ऑयल है, वो पुराना ऑयल निकाल के नया ऑयल डालना पड़ेगा। तो भाई कितने टाइम पहले डलवाया था पुराना वाला ऑयल? भाई इट्स बीन ऑलमोस्ट अबाउट गुड 8 months है। 8 महीने हो चुके हैं, परफेक्ट 8 महीने। कितने किलोमीटर चली होगी, कम ही चली होगी? हम बहुत कम चली है, इसको तो रखते हैं बस, काम पे खड़ी रहती है। खड़ी रहती है ना, तो नीचे की तरफ है गाइस, सेम होता है ऐसे नॉर्मल गाड़ी का होता है, दो आपके नट होंगे उनको खोला जाएगा, ऑयल निकलेगा, वापसी से ऑयल नया ऊपर से डाला जाएगा, और ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। भैया से आपसे पूछवा दूंगा कौन से नंबर का नट होता है। सो गाइस नीचे से ऑयल निकल चुका है, भैया कितने नंबर का नट होता है नीचे, कितने नंबर का नट होता है? ये होता है 4 फुट। तो आप लोग देख सकते हो गाइस पूरा तेल आ रहा है, कैसी हालत में है भैया तेल, चिकनाहट कितनी बची है? कम बची है, कम बची है ना चिकनाहट, देख लो गाइस एक बार तेल निकल रहा है। तो एक बार चेक कर लो अपना निकलने वाला है, जो ऑयल फिल्टर होता है वो निकलेगा बाहर, और उसकी हालत काफ़ी बाहर से गंदी लग रही है। तो गाइज अब ऑलमोस्ट ये खुलने वाला है, जो एयर आपका इसमें ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, ये बॉश वाला ऑयल फिल्टर था, और जो अब हम लगा रहे हैं वो ओरिजिनल महिंद्रा वाला है। सो एक बार इसको निकाल दे भैया, आप लोग देख सकते हैं अब घुमाएंगे भैया। तो पुराने वाला जो हमारा बॉश वाला ऑयल फिल्टर था निकल चुका, भैया क्या हालत में है, ख़राब है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म है?
तो अब इसको साफ़ किया जाता है कपड़े से, इसके बाद नया वाला इसके अंदर लगाया जाता है। कंडीशन चेक कर लो, ये भी अच्छा था, ओरिजिनल लगाया हुआ था, ऐसा नहीं था कुछ नकली लगाया हो। तो जब भी करवा रहे हो तो भाई ऑयल फिल्टर, और अगर आपकी कोई और दूसरी गाड़ी है जिसमें एयर फिल्टर भी डलता है तो भाई अच्छा लगवाना। हमारा नया वाला जो महिंद्रा वाला है वो भैया ने पकड़ लिया हाथों में, और इसको लगाने जा रहे हैं वापसी अंदर की तरफ। भैया इसको मतलब ऐसे ही घुमा दो बस, या इसको टाइट करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसे घुमा दो, ऐसे ही घुमा दो। देखो एक बारी, तो वो वाला इतना टाइट क्यों रखा था जिसको हमें फोड़ के निकालना पड़ा? स्टार्ट करके वो बिल्कुल चिपक जाता है पूरा। अच्छा चिपक जाता है वो। देखो आप एक बार भैया भी घुमा रहे हैं तो परफेक्टली टाइट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे ऊपर से ऑयल डाला जा रहा है। तो आप लोग को बताया था जो नीचे नट खोल के पूरा ऑयल निकाला गया था, उस नट को परफेक्टली अंदर वापसी लगा दिया गया। इसके बाद भैया इसकी सील ओपन करेंगे, देख सकते हो आप लोग। तो ये सील ओपन हो चुकी है और इसके बाद आपको ऑयल डाल के दिखाएंगे। सो देयर यू गो। भैया कितना 5 लीटर तेल डलता है? 5 लीटर तेल डलता है। तो आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास प्राइमा वाला था वो केवल 4.5 लीटर था, उसके बाद जो है हमारे पास 0.5 लीटर दूसरे वाला है। तो भैया ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होती अगर हम तेल मिक्स करें? कुछ ग्रेड मिक्स करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है? तो गाइज़ ये आप लोगों को भैया की तरफ से रिकमेंडेशन है, स्टिल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई ग्रेड मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन गाइज़ आपको बता देता हूँ, सेम कंपनी का जब आप लोग डलवा रहे हैं और ग्रेड ऑलमोस्ट सेम है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं बोलता कि आप करवाओ, लेकिन स्टिल हमारे पास अभी चॉइसेस नहीं थी क्योंकि आज संडे को हम आए हैं और दुकान ज़्यादा ओपन नहीं है। तो इसकी सील भी देख लो, भैया ही ओपन कर रहे हैं पूरा परफेक्टली, और इसके बाद जाएंगे इसमें ऑयल डालने की तरफ। और गाइज एक चीज़ का आज फायदा हमें ज़रूर हुआ, संडे की वजह से आज थोड़ा रश कम है यहाँ पर और हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई नहीं है। सीधा हम मंगा मिस्त्री के पास आ गए और भैया ने हमारा पूरा काम सॉर्ट करा दिया। क्या नाम है भैया आपका वैसे? क्या नाम है? मनोज। आपका नाम क्या भैया? ठीक है भैया, दोनों भाई आप यही काम करते हैं पूरा जीप वीप का तैयार करने का? चलिए ठीक है, कभी आप आ रहे हो तो दोनों भैया से ज़रूर मिल लेना यार, कुछ काम करवाना हो। ज़बरदस्त काम करते हैं, ऑयल जब पूरा भर जाता है तब इसकी कैप बंद करते हैं और फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइज हमारी जो ये अपनी पूरी स्टिक होगी इसको भैया साफ करेंगे, इसके बाद आपको ऑयल लेवल भी दिखा देंगे कैसा है। अंदर की साइड भैया डाल रहे हैं इसको। और ऑयल लेवल जो है अभी एक बार चेक करवा देना कितना तक आ गया, देख सकते हो गाइज बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और इसको लगा देते हैं वापसी, उसके बाद भैया गाड़ी ऑन करेंगे ना एक बारी। ठीक है एक बार गाड़ी ऑन करते हैं और आप लोगों को मैं एक बार इंजन की आवाज़ भी सुना देता हूँ। एक प्रॉब्लम हम लोगों को लग रही थी कि थोड़ी सी बेल्ट की आवाज़ जैसी आ रही थी या फैन की आवाज़ आ रही थी, वो हम देखेंगे, लेकिन स्टिल एक इशू था, उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब होने के बाद गाड़ी को 2 मिनट छोड़ना है। भैया क्यों छोड़ते हैं 2 मिनट तक? ओवरऑल पूरा हो जाए। अच्छा वो पूरे तरीके से बैठ जाए, लेवल में आ जाए। और एक बार इंजन की आवाज़ सुननी है, सुन लो। गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप लोगों ने गाड़ी की आवाज़ में आपको अच्छी तरीके से रेव करके सुना देता हूँ, सुन लो। सो आपको बताया तो हल्का फुल्का धुआं आपको गाड़ी में निकलता हुआ दिखेगा क्योंकि यार इतनी पुरानी गाड़ी, लेकिन स्टिल अगर आप इसको टाइम से सर्विस कराते रहोगे ठीक रहेगा। कितनी ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, एक बार नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मज़ा आने वाला है आप लोगों को देखने में पूरा कैसा लग रहा है। बाबा मज़ा आने वाला है चलाने में, अब मज़ा आने वाला ना। तो यार मंगा भाई का अपने साथ इतना अच्छा प्यार था कि भाई ने लेबर ही नहीं लिया हमसे, बिल्कुल प्यार भाई, प्यार है। नहीं ये भाई, ये भाई भाई वाली बात है यार, मतलब इतनी मेहनत करते हैं भाई, इतनी दूर से गाड़ी लेके यार बनता है यार, इतना करना बनता। अब जा रहे करौल बाग में, पहले बताया था गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं है, बोलना मैं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रही थी। कूपे भाई कूपे, दिस इज द एंशिएंट कूपे। हाँ बस ये चीज़ आप दिमाग में रखना भाई, कमेंट मत करना। किसी के साथ में करौल बाग जा रही है, छोटी मोटी एलईडीज लगानी है। आई नो कि द्वारका से भी लगा सकते, लेकिन अपने अंदर चूल्हा यार, अपने अंदर चूल्हा, क्योंकि हमारा गाड़ी करौल बाग है तो हमारे को करौल बाग जाने के लिए मौके चाहिए। तो गाइस लेट्स लीव एंड देन सी कि कैसा सब कुछ रहता है। और पीछे उदित भाई बैठा हुआ है हमारे साथ, मेरे बहुत सारे शूटों में मेरी हेल्प करता है, आज मेरी टोपी चोरी करके लेके आया हुआ है डोप वाली। तो भाई एंजॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा? मस्त हो रहा है भाई, कह रहा था यार मैं चलूंगा तुम्हारे साथ जीप के अंदर बैठा, मजा आ गया इसको। और बाबा चलाने में यार फर्क, आवाज में फर्क आ गया, आवाज में बहुत फर्क है, मूवमेंट में फर्क है। फिर मैं मतलब कचर वाली आवाज आती थी वो बिल्कुल निपट गई है, और कल बेल्ट वाली आवाज आ रही थी और आज वो निपट गई है सही तरीके से। एंड दिस इज ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, सो इट्स एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव माय बॉय।
मैंने चलाई थी, मेरे तो भूल गए थे घोड़े। ओके गाइस, तो इट्स टाइम कि आप लोगों को एंडिंग बता दे कैसी एंडिंग रही। सो आप लोगों को जो भी ऑयल का चेंजेस हुआ वो दिख गया, प्राइसिंग बता दिया। लेबर हमसे मंगा मिस्त्री ने नहीं लिया क्योंकि भाई इतनी दूर से आया और अपना प्यार भी तो अलग होता है ना। अपना भाई उदित भी एक बार आ जा, राजा भैया आ जा। तो भाई का आज 07 जो है काम में आया, जो आपने शॉर्ट्स देखे होंगे आप लोगों को शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। इसी के साथ में भाई अब कैसी हो गई गाड़ी? इसी के साथ में कुछ खास हेटर्स के लिए, क्योंकि हमने पहले भी एक जीप की वीडियो करी थी, तो दिस वाज नॉट अ मॉडिफिकेशन वीडियो, ये नॉर्मल रिवैम्प वीडियो, वी वर जस्ट रिवैम्पिंग अ क्लासिक बेबी जीप व्हिच इज गोइंग ऑसम ऑसम। और चलाने में कैसी लगी अभी? मक्खन मक्खन हो गया भाई, बेल्ट से आवाज ही नहीं। ऐसा है, सर्दियां आ गई हैं, घूमने का टाइम हमारा आ चुका है, और मे बी वी लास्ट जोशी टू अपलोड द यूटिलिटीज और एंड द वेज दैट वी यूटिलाइज दिस व्हीकल, व्हिच यू विल हैव टू कम डाउन टू सी इन द इवनिंग। और भाई कुछ कहना है लास्ट में? आई एम ऑलवेज विद हिम भाई, ये अपना अलग ही प्यार है भाई, तीनों भाइयों का अलग प्यार है। सो गाइस, इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बढ़िया, इन्फॉर्मेटिव बढ़िया, और संडे आपका बन गया हो तो लाइक शेयर कमेंट करे चले जाना, करे चले जाना, करते करते चले जाना, हाँ चले जाना, जरूर आना, हाँ वापस आना है। सब्सक्राइब तभी करना है, कंटेंट आपके मतलब का है। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR 1711 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। और अभी हम लोग आ रहे करौल बाग में, रीजन यही है कि यहाँ पर सोचा था कुछ काम कराएंगे लेकिन नहीं हो पाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय 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 बाय।